आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इमेज को अपलोड करने से पहले उसका साइज जो है रिसाइज कर सकते हैं लारावेल में। तो आज के ट्यूटोरियल के हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि पहला है व्हाई वी नीड टू रिसाइज इमेज, हाउ टू रिसाइज इमेज, और स्टेप्स हैं हमारे कुछ। तो हमें रिसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है इमेज को, हालांकि जब आप प्रोफाइल वगैरह अपडेट करते हो तो आपको इतनी नीड नहीं होती। जब आप लाइक मान के चलिए आप कोई वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड कर रहे हो, चाहे वो आपका कोई लेक्चर हो, तो आप उसके लिए एक रिसाइज इमेज करना चाहोगे, क्योंकि आप उसके लिए एक थंबनेल क्रिएट करोगे, ठीक है। तो तब हमें ये जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम हाउ टू रिसाइज इमेज को अचीव कर पाते हैं लारावेल में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना जो है यहाँ पर एक कंपोजर के द्वारा हम यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इमेज क्लास होगी उसके अंदर, तो काफी अच्छी है, तो यूज करिएगा इसे। तो कंपोजर रिक्वायर, एंड देन गाइस आपको लिखना है यहाँ पे इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, एंड देन स्लैश लगा दीजिए और इमेज लिख दीजिए, ठीक है गाइस। जैसे ही आप ये टाइप कर देंगे तो आपका जो है ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन गाइस ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो मैं जब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ जब तक ये इंस्टॉल होता है। तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम कोई एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमें उसे यहाँ पर रजिस्टर भी करवाना होता है। तो हम कॉन्फिग के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे, एंड देन गाइज यहाँ पर आपको प्रोवाइडर्स एंड एलियाजेस मिल जाते हैं, जिनके अंदर आपको यहाँ पर क्लासेस ऐड करनी होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, प्रोवाइडर्स के अंदर आना है। लाइक मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं आप प्रोवाइडर्स के अंदर ही हूँ मैं अभी फिलहाल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है मेरे साथ, आप टाइप करते जाइए इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, ठीक है गाइस। एंड देन आपको स्लैश लगाना है, सॉरी स्लैश, एंड देन गाइस यहाँ पर आपको लिखना है इमेज, क्योंकि यहाँ पे हमें इमेज क्लास को ही ऐड करना है, तो स्लैश लगाएं। इमेज सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पर यूज करेंगे हम, इमेज सर्विस प्रोवाइडर, कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है। एंड देन गाइस इतना काम कर देना है आपको, यहाँ पर इंटरवेंशन लिखना है, स्लैश इमेज और स्लैश इमेज सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। क्लास दे देनी है आपको यहाँ पे। अब आना है आपको नीचे, और जहाँ पर आपको एलियाजेस में आना है, लास्ट में चले जाना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग में लिख दीजिए यहाँ पर इमेज, जो आपकी क्लास का नेम है। एंड देन गाइज यहाँ पर आप पास कर दीजिए मेरी तरह इंटरवेंशन, एंड देन स्लैश लगाइए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए आप इमेज, और फिर स्लैश लगाइए फसाड्स। जैसा कि आप जानते हैं हर बार हम फसाड्स ही यूज कर रहे होते हैं जब हम किसी क्लास को यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। स्लैश इमेज, सॉरी क्लास लिख दिया हमने यहाँ पे। एंड देन गाइज यहाँ पर हमारा, सॉरी कॉलन कॉलन क्लास आता है बेसिकली। एंड देन गाइज इतना काम करने के बाद आपका जो है यहाँ पे कन्फिग्रेशन हो चुका है। अब गाइज बात आ जाती है, हम थोड़ा राउट वगैरह सेट कर लेते हैं। तो वेब डॉट पी एच पी में जाते हैं। अभी देखिए हमने कंट्रोलर बनाया नहीं है, तो एक हम कंट्रोलर बना लेते हैं। तो पी एच पी आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम लिख लेता हूँ अभी फिलहाल में, इमेज कंट्रोलर। एंड देन गाइस इसको मैं थोड़ा कॉपी भी कर लेता हूँ, और हट गया मेरा कंट्रोलर बन चुका है। क्लास क्लियर कर दी स्क्रीन, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ यूज एप स्लैश स्लैश एच टी टी पी स्लैश कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स एंड देन स्लैश, और जो हमारे कंट्रोलर का नाम था वो ये रहा इमेज कंट्रोलर। एंड देन गाइस हम यहाँ पे कुछ राउट्स वगैरह बनाएंगे, तो मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ से इसे हाइड कर देता हूँ और थोड़ा आपके लिए जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो राउट हम बना लेते हैं, तो एक होगा हमारे व्यू के लिए राउट। लाइक मान के चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक स्लैश करके रीसाइज, हम रीसाइज का नाम मैंने रख दिया इसका राउट का। एंड देन कंट्रोलर क्लास, और इसके एक मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, लाइक मैंने इंडेक्स मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। सेम एज इट इज मैं एक पोस्ट के लिए भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को फॉर्म सबमिट करना होगा, तो मैं यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊंगा, तो पोस्ट राउट बनाएंगे बेसिकली हम यहाँ पे बना दिया। एंड देन गाइस मैं चाहूंगा कि वो किस पर जाए, रीसाइज इमेज, ठीक है, मैंने इस पर भेज दिया, ठीक है, मान के चलिए मैंने इधर भेज दिया। एंड देन इसी नेम से मैं क्या करता हूँ एक मेथड भी बना लेता हूँ रीसाइज इमेज, और इसका कुछ नेम दे देते हैं हम, लाइक अभी फिलहाल में हम दे देते हैं सेम एज इट इज नेम दे देते हैं जो हमने यहाँ पे सभी का रखा हुआ है, रीसाइज इमेज। इतना काम करने के बाद अब आपको गाइस क्या करना है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा एक व्यू बना लेना चाहिए, ठीक है। तो व्यू पे जाते हैं और एक हम यहाँ पे फाइल का नेम रख लेते हैं, लाइक रीसाइज या हम रख लेते हैं इमेज अपलोड, ठीक है, इमेज अपलोड।
blade.php, इतना काम कर लिया। एंड देन गाइज यहाँ पे हम इसे थोड़ा हटाते हैं, और इतना काम करने के बाद अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो हमें कंट्रोलर मिलेगा ऐप HTTP controllers image controller। एंड देन गाइज यहाँ से हम अपने व्यू को लोड करा देते हैं पब्लिक फंक्शन। एंड देन गाइज हमने इंडेक्स मेथड कॉल किया हुआ है, और हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं अपने व्यू को, रिटर्न व्यू। व्यू का नेम है हमारा इमेज अपलोड। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि बढ़िया तरीके से चल भी रहा है या नहीं। तो एक बार ऑप्टिमाइज कर लूंगा मैं प्रोजेक्ट, एंड देन सर्व। चलिए रन करते हैं अब अपना प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसाइज। एंड देन गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारा राउट चल चुका है। अब देखिए गाइज करना है क्या आपको, सिंपल है कि यहाँ पर हमें एक फॉर्म वगैरह बनाना होगा। तो सिंपल फॉर्म वगैरह बना लेते हैं हमें। फॉर्म का एक्शन हम रखेंगे अभी बेसिकली, फिलहाल में हम मेथड वगैरह सेट कर देते हैं। मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट, इनक्रिप्शन टाइप दे देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक फाइल वगैरह भी चाहिए होगी। तो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक गाइस हम एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप फाइल रख लेंगे। इसका नेम दे देते हैं लाइक समथिंग नेम इज इक्वल टू, मैंने लाइक दे दिया इमेज। VR दे देता हूँ, और एक और BR दे देता हूँ, ठीक है, डबल BR दे देता हूँ बेसिकली। और मैं एक इनपुट टाइप बना लेता हूँ सबमिट, सबमिट। और इसका नेम हम कुछ नहीं रख रहे, वैल्यू इसकी रख देते हैं समथिंग लाइक अपलोड इमेज। इतना काम करना था। अब देखिए इसके जो एक्शन है उसमें हम अपना राउट पास कर देते हैं जो हमने राउट बनाया है। तो राउट, और इसके यहाँ पर हम पास कर देंगे वो नेम। तो हमारा वो नेम क्या है बेसिकली, रिसाइज इमेज। इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और इसमें हमने पास कर दिया, ठीक है गाइस। अब जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो उस वाली रिक्वेस्ट पर जाएगा। लाइक मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अभी 419 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे @CRF नहीं यूज किया है टोकन। तो हम यहाँ पे टोकन यूज कर लेते हैं @CSRF टोकन का यूज करके हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को वेरिफिकेशन करेंगे। तो ठीक है, प्रॉपर वे में चल रहा है अभी। अब हमें यहाँ पर क्या करना क्या है गाइस, यहाँ पर अब हमने व्यू लोड करा लिया। अब हमें यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आएगी जो इस वाले मेथड से आ रही है, रिसाइज इमेज नाम का अभी हमने मेथड बनाया नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन रिसाइज इमेज। और हमें यहाँ पर चाहिए होगी एक रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, सॉरी वेरिएबल रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट रख लेते हैं हम यहाँ पे, एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। इतना काम कर लिया अब हमने। अब देखिए गाइस बेसिकली जो हमने एक्सटर्नल पैकेज यूज किया उसे हमें यहाँ पे यूज भी करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज इमेज क्लास। एंड देन गाइस हमारे पास इतना काम हो चुका है। अब गाइज हमें यहाँ पे जो मेन काम है वो अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ पे जाएं एंड देन गाइज यहाँ पर हम चाहें तो इस पर वैलिडेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। लाइक मैंने जूम कर लिया इतना, तो वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं यहाँ पर एक बार वैलिडेशन आपको लगा के दिखा देता हूँ कि डॉलर दिस, जैसा कि आप जानते हैं वैलिडेट नाम का एक मेथड होता है वैलिडेट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट। एंड देन गाइज यहाँ पे एक एरे होगा जो कि क्या करेगा, हमारे जो वेरिएबल आ रहा है, जो हमने वेरिएबल क्या रखा है इसमें बेसिकली नेम जो रखा है वो है बेसिकली इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे इमेज पास कर देंगे एंड देन एरो, और हम यहाँ पे कर देते हैं इसे रिक्वायर्ड, और हम यहाँ पे दे देते हैं एक टाइप भी बता देते हैं कि ये टाइप होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दे देते हैं MIMES कॉलन, वो किस टाइप की हो सकती है, लाइक JPG हो सकता है इसका एक्सटेंशन, या JPG हो सकता है, या PNG हो सकता है, आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, या उसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए। हमने दे दिया लाइक 20 something, मैंने दे दिया 2048 something, ठीक है गाइस। इतना काम करने के बाद अब हमने वैलिडेट कर लिया। वैलिडेट अगर फेल होगा तो हमें एरर वगैरह दे देगा। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी इमेज को निकालेंगे।
तो इमेज को निकालना होगा, तो हमारा ये कोई ये वेरिएबल यूज करना होगा, और हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉलर रिक्वेस्ट फाइल मेथड, एंड देन गाइस यहाँ पर हम उस फाइल का नेम पास कर देंगे। तो हमारी ये फाइल का नेम इमेज, तो इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक मैंने रख लिया एक इमेज नाम के वेरिएबल में। ठीक है गाइस, इतना काम कर लिया। अब गाइस हमें क्या करना है, बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, एक इमेज को अपलोड करना होगा, एक उसका थंबनेल भी बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इसको हम कॉलैप्स को बंद करते हैं, और हम पब्लिक फोल्डर के अंदर जाते हैं, या पब्लिक के अंदर कर सकते हैं या स्टोरेज के अंदर कर सकते हैं, मैं पब्लिक के अंदर कर लेता हूँ। तो एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ लाइक थंबनेल, ठीक है, जिसमें हमारे थंबनेल जमा होंगे या स्टोर होंगे। ठीक है, एक बना लेते हैं हम इमेजेस, ठीक है, जिसमें हमारी प्रॉपर इमेज जो होगी वो अपलोड करेंगे वो इसमें जाएगी, और एक होगा इमेज जो कि हम रिसाइज करके इसमें सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो अब गाइस आपको करना क्या है, आपको इमेज मिल गई, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एक्सटेंशन वगैरह निकाल लेना। और हम एक एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, तो हम इसका यूज करेंगे डॉलर इमेज का, जिसके पास एक मेथड होता है एक्सटेंशन, जो कि क्या करेगा इसका एक्सटेंशन हमको दे देगा। ठीक है, अब इसका एक्सटेंशन आ गया, तो हम क्या चाहेंगे कि इमेज का जो नेम बने कुछ समथिंग बने। ठीक है, लाइक मैं चाहूंगा जो डेट चल रही है उसी के समथिंग अकॉर्डिंग चले, तो हम कनकेटिनेट करा देते हैं। डेट जो है टाइम नाम का मेथड होता है, और कनकेटिनेट करा देते हैं, और कनकेटिनेट में हम लिख देते हैं लाइक डॉट, ठीक है, टाइम के बाद डॉट और एक्सटेंशन जो भी होगा उसका, एंड देन गाइस इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं एक वेरिएबल में। तो एक हम इन एक एरे एरे वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक इनपुट लाइक समथिंग, एंड देन मैंने यहाँ पे ले लिया एक इमेज नेम। ठीक है, मैंने ऐसे स्टोर करा लिया, आप चाहें एक सिंगल वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पर प्रॉपर नेम मिल गया इमेज का। अब क्या करेंगे, हम एक थंबनेल का डेस्टिनेशन पाथ सेट करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बेसिकली पब्लिक फोल्डर, ठीक है, तो पब्लिक फोल्डर का जो पाथ होता है वो बेसिकली आप जानते ही हैं, पब्लिक पाथ नाम का एक मेथड होता है, तो हम वो यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया पब्लिक पाथ। ठीक है, इसके अंदर हम गाइस क्या करने वाले हैं, वो पाथ दे देते हैं। पब्लिक पाथ के अंदर हमारा जो है एक स्लैश थंबनेल नाम का हमारा क्या है फोल्डर, ठीक है, तो हमने वो यहाँ पर पास कर दिया। अब हम इसके जो पाथ है वो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, लाइक मैं दे देता हूँ डेस्टिनेशन पाथ, एंड देन गाइस मैंने इसमें स्टोर करा लिया, सिंपल है। हमने इमेज का गेट करी, और उसका एक्सटेंशन से हमने नेम वगैरह चेंज कर लिया टाइम के अकॉर्डिंग, एंड देन पब्लिक पाथ निकाल लिया, थंबनेल जहाँ पर हमारे स्टोर होंगे। एंड देन गाइज अब बारी आ जाती है, हमें थंबनेल क्रिएट करना है जो हम अपने अकॉर्डिंग साइज से डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, एक इमेज चाहिए होगी, तो इमेज img नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंड देन गाइज हम इमेज क्लास का यूज कर लेते हैं। इमेज कॉलन कॉलन, इसके पास एक मैक नाम का मेथड होता है मेक, और जिसमें हमें क्या करना है, इसमें पास सेट करना जो हमारी इमेज आ रही है, जो अपलोड हो रही है, जो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और जो जो पाथ होगा वो हम यहाँ पे बेसिकली पाथ पास करने वाले हैं। तो इसके पास एक मेथड होता है पाथ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका इमेज का पाथ मिल गया, ठीक है, और ये उसको क्रिएट करेगा। तो अब क्या करने वाले हैं, इमेज जो img नाम का हमने वेरिएबल बनाया, इसके पास एक मेथड आ गया रिसाइज, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इमेज एरो फंक्शन एंड देन रिसाइज, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग साइज पास कर सकते हैं, लाइक 100 बाय 100, 200 बाय 200, या 300 बाय 300, जैसा आप चाहते हैं। लाइक मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलता हूँ 100 बाय 100 का, ठीक है। एक इनर फंक्शन पास करना है आपको गाइज इसके अंदर, एंड देन जो इनर फंक्शन पास कर रहे हो उसके अंदर आपको एक पैरामीटर और पास कर देना, लाइक कंस्टेंट मैं पास कर देता हूँ, एंड देन गाइज आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कंस्टेंट जो होता है उसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशियो, एंड देन हमने यही कॉल कर लिया, सिंपल है गाइज, इतना काम करना है आपको। एंड देन गाइज इस फाइल को जो है सेव कर देना है, ठीक है, तो सेव कहाँ करेंगे हम, वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो पाथ होगा, तो हमने यहाँ पर जो इसका पाथ निकाला ना थंबनेल का, उस जगह हम स्टोर कराएंगे जो हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हमने दे दिया डॉलर डेस्टिनेशन पाथ, ठीक है, तो एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, बेसिकली दो नहीं होते, मैं गलती से आपको बोल दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंकेटिनेट कर देते हैं क्या, जिसके अंदर हम यहाँ पर फाइल का नेम भी देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, देखिए डेस्टिनेशन पाथ आपको मिल गया डायरेक्ट, ठीक है,
उसके अंदर हम डायरेक्ट क्या भेजने वाले हैं, अपनी इमेज। और जो इमेज का नेम है वो क्या है, बेसिकली हमारा हमने कहाँ पे लिया, अभी तो नहीं लिया ठीक है, सॉरी ले लिया, ये रहा ना डॉलर इनपुट और इमेज नेम ठीक है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब क्या होगा, डेस्टिनेशन जो पाथ है पब्लिक फोल्डर के अंदर थंबनेल उसके अंदर जाएगा स्लैश, और जो हमारी फाइल का नेम होगा वो हमें यहाँ पे डाल देना ठीक है गाइज, इतना काम कर देना है। अब गाइज ये तो हमारी रिसाइज इमेज जो बनी थी वो हमने सेव करा दी, अब हमें जो करंट वाली इमेज है वो भी तो हमें इमेजेस नाम के फोल्डर में हमें सेव करानी है। तो सिंपल है गाइज, उसको तो आप जानती हैं, तो हम यहाँ पे पब्लिक पाथ यूज करेंगे, बेसिकली हमारा वो भी फोल्डर किसके अंदर है, पब्लिक पाथ फोल्डर के अंदर स्लैश इमेजेस, और इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक मैंने दोबारा बना लिया एक डेस्टिनेशन पाथ। एंड देन गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर इमेज जो हमारी इमेज ऊपर आ रही है ये वाला ठीक है, तो इसको हम मूव कर देंगे कहाँ पे, जो हमारे डेस्टिनेशन पाथ है तो वो डेस्टिनेशन पाथ ये रहा ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर जो हमारी इमेज का नेम है वो है डॉलर इनपुट इमेज नेम के एरे में ठीक है, तो हमने यहाँ पे की एंड वैल्यू दे दिया, मतलब की दे दी हमने जिसके अंदर हमारी वैल्यू होगी ठीक है, तो दे दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना काम हो गया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक हो जाते हैं और हम यहाँ पे एक सेशन यूज कर लेते हैं जो कि सेशन बताएगा कि हमारी इमेज अपलोड हुई है नहीं। तो लाइक हम इसके साथ विद यूज कर लेते हैं, विद जैसा कि आप जानते होंगे, विद से हम क्या करते हैं एक साथ डेटा भी आप सेंड कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहीं से क्रिएट कर लेते हैं ठीक है। विद में हम क्या करेंगे, एक सक्सेस मैसेज दे देते हैं कि हाँ जी आपकी जो है इमेज अपलोड हो गई। एंड देन गाइज यहाँ पर हम लिख देते हैं इमेज अपलोड सक्सेस फुली। एंड देन गाइज हम एक और लाइक मान के चलिए हमें इमेज का डेटा भी भेजना है ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक और विद यूज कर लेते हैं, तो सॉरी विद लिखना होता है, बिट्स लिख जाता है। एंड देन गाइज हम यहाँ पे पास कर देते हैं इमेज नेम, और यहाँ पर इमेज नेम क्या है बेसिकली आप जानती हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिया था डॉलर इनपुट इमेज नेम, जो कि हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं ठीक है गाइज, इतना काम कर दिया। ये तो आपका इस मेथड का काम हो गया, आई थिंक ये परफेक्ट वे में काम करे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे टॉप पर जाते हैं, हमें कुछ एरर्स वगैरह मिलती हैं तो हम यहाँ पर शो करा देते हैं, लाइक हमें यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एट द रेट इफ और एट द रेट एंड इफ, हमने क्लोज कर दिया। मान के चलिए कोई एरर आती है हमारी वैलिडेशन वगैरह में, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, अगर काउंट डॉलर एरर्स ग्रेटर देन है 0 से ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एरर्स को प्रिंट करा देंगे, तो हम यहाँ पे एक फोर ईच लूप लगा देते हैं, जितनी भी एरर्स होंगी वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, एंड फोर ईच, और हम यहाँ पे पास कर देते हैं डॉलर एरर्स एस डॉलर एरर, और हम इन एरर को अब क्या करेंगे एक एल आई में प्रिंट करा देते हैं, एल आई, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनको प्रिंट कर दिया ठीक है गाइस, इतना काम कर दिया। अगर कोई एरर होगी या इमेज वगैरह गलत अपलोड कर रहे हो तो वो हो जाएगा ठीक है। अब हमें यहाँ पर सेशन भी चेक करना होगा, सेशन में क्या डेटा आ रहा है, अगर सेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर आता है तो हम यहाँ पे इसे भी सेट करा देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एट द रेट इफ एट द रेट एंड इफ ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सेशन कॉलन कॉलन गेट ठीक है, अगर सक्सेस मैसेज उसमें होता है, जो कि बेसिकली हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी किया एंड देन गाइज यहाँ पर हमने किया पेस्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर होता है तो हम उसे एक वेरिएबल में निकाल के रख लेते हैं मैसेज को, और जो कि हमारे इक्वल इसमें आएगा ठीक है, तो इस मैसेज को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, लाइक मैंने एक स्ट्रॉन्ग नाम का एक हमने टैग यूज कर लिया स्ट्रॉन्ग। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने मैसेज को प्रिंट करा दूंगा ठीक है। और देखिए गाइज मैंने यहाँ पर देखिए दो इमेजेस अपलोड की हैं ठीक है, तो अब आप चेक करना चाहते हैं कि वो इमेज अपलोड हुई है या नहीं परफेक्ट वे में, जो इमेज दिख रही है वो किस किस तरीके की दिख रही है, तो हम जैसा कि मैंने यहाँ से इमेज नेम भी भेजा है ठीक है, तो हम क्या करेंगे पाथ के लाइक मान के चलिए जो हमारे इमेज नेम आ रहा है वो बेसिकली क्या है, जो सारा फाइल्स अपलोड हो गई वो बेसिकली हमारे अपलोड हो जाएंगी पब्लिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर और थंबनेल के अंदर ठीक है। अब हमें इन फोल्डर के अंदर सेम नेम से जाएंगे, तो हम उन्हें यहाँ पर गेट कर सकते हैं जो हमने नेम वहां से सेंड कराया ठीक है। तो मैं लाइक यहाँ पे एक मैं मान के चल रहा हूँ एक ओरिजिनल इमेज है ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल इमेज
और एक हमारी है जो हमारी रिसाइज हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक आईएनवी टैग यूज कर लेते हैं जिसके अंदर एसआरसी यूज कर लेते हैं। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारी ओरिजिनल इमेज है वो किसके अंदर होगी, बेसिकली स्लैश इमेजेस, ठीक है, इमेजेस के अंदर। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्लैश लिखूंगा और मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा सेशन में जो है मेरे नेम आ रहा है तो वो मेरी यहाँ पे सेट कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, सेशन कॉलन कॉलन गेट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और गेट के अंदर क्या है बेसिकली लिखना है हमें, जो बेसिकली हमारा इमेज नेम है, अगर इमेज नेम है तो हमें यहाँ पर डाल दो, ठीक है। ये कर दिया गाइस। एंड देन गाइस अल्ट वगैरह दे सकते हो आप या मत दो, मेरी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड देन गाइस इतना काम करने के बाद अब आप क्या करें, देखिए हमने ओरिजिनल इमेज तो करा ली प्रिंट, अब हम चाहते हैं थंबनेल इमेज भी देखना, तो सेम एज इट इज मैं इन दोनों पार्ट को क्या करता हूँ कॉपी। तो बस ये है, मेरे को पाथ चेंज करना है और कुछ नहीं है। तो थंबनेल इमेज हमें यहाँ पर दिख जाएगी, थंबनेल लाइक मैंने दे दिया थंबनेल इमेज, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ थंबनेल्स, ठीक है गाइस। इतना काम कर दिया, एक हमारी हो गई थंबनेल्स के अंदर। पब्लिक फोल्डर के अंदर अगर हम जाएं तो थंबनेल, सॉरी थंबनेल है बेसिकली, थंबनेल्स नहीं है, ध्यान रखिएगा गाइस, ये मिस्टेक हो सकती है। तो और यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, थंबनेल ही है बेसिकली मेरा। और यहाँ पर क्या है दूसरा हमने भेजा इमेजेस के अंदर, ठीक है गाइस। चलिए अब हमारी बारी है टेस्ट करने की, चलिए हम टेस्ट कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन अपलोड करता हूँ, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। तो ओरिजिनल इमेज तो इसने बता दी, अभी मैंने ज्यादा जूम कर रखा है बेसिकली, ठीक है। ओरिजिनल इमेज साइज ये बोल रहा है, एंड देन थंबनेल इमेज देख सकते हैं 100x100 का ये बन चुका है, ठीक है। अगर गाइस मैं यहाँ पे दिखाऊं अगर आपको जाकर के, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो इमेजेस के अंदर आपको ये इमेज मिल गई, ठीक है, और थंबनेल के अंदर जाओगे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कितनी छोटी है और ये वाली कितनी बड़ी है। आप यहाँ पे अपना खुद का साइज यहाँ पर बता सकते हैं कंट्रोलर के अंदर कि हाँ जी हमें यहाँ पर इतना साइज इतना मेंशन कर दो, कि इसकी ब्रेथ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, 100x100, 200x200 या ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको इमेज रिसाइज करनी है। बेसिकली इतना सा कोड है, कोई ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, आप यहाँ पे इतना कोड यूज करके आप अपनी इमेज का साइज जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। बाकी तो जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स देख रखे हैं कि कैसे हम फाइल को मूव करते हैं, ठीक है, स्टोरेज डायरेक्टरी में, पब्लिक पाथ डायरेक्टरी में, तो आप इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको जो है लेक्चर पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, एंड देन मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल में। थैंक यू।